कौन कह रहा बेरोजगार, मान ली दसवीं पास करके मैं कहने लगा मैं डीएम बन जाऊँ, बन जाऊँ भाई। बारहवीं पास करके कहने लगा मैं प्रधानमंत्री में बन जाऊँ भाई। उसके लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अखिलेश अखिलेश पता पैदल में चला जाता, पूछा बहन की लौटी 2 करोड़ की बच्चा बुरका पहरो अपने घर में पहरो बाजार में जब पे विरोध क्यों। अगले 5 साल में भगवा पहर के जाएंगे, योगी के रुल्लो पर जलेंगे। हमारे 18 तारीख तक हम भी भगवा पहर के जाएंगे अगर मैं बुरका पहर गाऊंगी। अखिलेश अखिलेश तो घर बैठ के मक्की मारेगा मक्की। बाबा कह रहे हैं कि मई जून में शिमला बना देंगे। शिमला या तो कुल्लू मनाली बन जाए, कुल्लू मनाली। उनका जैसे ही नाम आता है ऐसे ही दारुल उलूम का नाम आता है। एटीएस सेंटर की स्थापना हो गई है, बहुत बढ़िया हुई जी। होगी स्थापना, आतंकवादी जो है यहाँ पल रहे ना सारे, इनका इलाज करने का नाम का हुआ है एटीएस सेंटर। इलाज हो जाएगा, इलाज पक्का होगा, हो जाएगा बिल्कुल 100%। इससे पहले छूट थी हाँ, देखा नहीं था क्या हुआ था। मुझे फनगर याद नहीं क्या हुआ था जी, मुझे फनगर याद है ना। पकड़ घर में तो गाड़ के पीटे थे लोग, लेकिन जब हाँ। जब से योगी जी आए जब तक सारे शांत हैं, कोई से भी नहीं फटकता। फटकता तो नहीं, कहते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं कौन कर रहा है, विकास की बात चल रही, राशन सबको मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को बराबर का मिल रहा है। यह थोड़ी ना योगी ने मोड़ लगा रही, हिंदू हिंदू को मिलेगा मुसलमान को मिल रहा, बताओ कैसा है। वो तो कह रहे बेरोजगार कर दिया। कौन कह रहा बेरोजगार, मान ली दसवीं पास करके मैं कहने लगा मैं डीएम बन जाऊँ, बन जाऊँ भाई। बारहवीं पास करके कहने लगा मैं प्रधानमंत्री में बन जाऊँ भाई। उसके लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा जब नौकरी मिलेगी। मैंने बारहवीं कर ली, मैं कहने लगा मैं जाके इंजीनियर लग जाऊँ, लग जाऊँ बीए वाले सोचा, कहने लगा मुझे 20,000 वाली नौकरी, जरा 8 वाली मिलेगी, 8 वाली करना तो नौकरी नौकरी है नहीं। बेरोजगारी हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं है, रोज बेरोजगारी उनके लिए जो करना नहीं चाहते, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, पक्की बात है भाई, कोई बेरोजगार नहीं है। हम देवबंद में पूछ रहे थे कि 5 साल में क्या हुआ, जब मुसलमानों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस हिंदू मुस्लिम हुआ भाई। 5 साल में उनकी चली नहीं, यो तो हुआ नहीं तो विकास सबका हुआ है। क्या यार हिंदुस्तान में, अम्मा एक मिनट मोदी क्या आने था, पाकिस्तान का कोरोना आया ना, अगर वो सरकार होती ना आधे तो मरते हिंदू, आधे तो मरते हिंदू। आज हिंदुस्तान पर होता पाकिस्तान का राज, अगर मोदी ना होता तो हिंदुस्तान पर पाकिस्तान का राज होता मेरे भाई। रुक जा यार, बताऊं कोई नहीं भाई कौन यार, तो बोला नहीं मैं बोलूं, अगर मोदी ना होता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान होता। चांद रहेगा मोदी योगी तेरा नाम रहेगा। क्या नाम बताया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र भाई बड़ी बात यह है कि आखिर उनको विकास दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि देवबंद में हमने देखा लोगों से पूछा तो बोला 5 साल केवल हिंदू मुस्लिम किया है सरकार। भाई जिन्हें विकास मिल रहा उन्हें विकास दिख भी रहा, जो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं ना उन्हें कुछ नहीं दिखने का, उन्हें तो केवल हिंदू और मुसलमान दिखेंगे। मुसलमानों को विकास नहीं मिला, विकास मिला उन्हें, जिन्हें मिल रहा उन्हें दिख रहा, जिन्हें मिल रहा उन्हें दिख रहा, जिनकी दलाली नहीं चल रही, जिनकी दलाली नहीं चल रही उन्हें दिख रहा चश्मा, उन्हें साइकिल दिख रही, नहीं तो विकास सबका हो रहा। मैं भी लकड़ी के चश्मे तो देख रहे, अगर वैसे तो देखते तो चमक भी जा। भाजपा के सदस्य समझते हैं हम और सदस्य रहेंगे जब तक हम मोदी जी के उनके फैन है। उनके मेन बात यह है जो घर का नाश हो जाए पर योगी रहेगा, चाहे ताड़ा भिड़ जा मारने का लपटा पर योगी रहेगा। मैं पहले योगी जी का अभिनंदन करता हूँ, ठीक है, जो हमारी विधानसभा देवबंद में आ रहे हैं, ठीक है। सुन आप एक मिनट, जो अखिलेश जी की बात कर रहे हो ना, अपने गया वहाँ तो सपने भी देखने का, ठीक है। सुन और सुनो, राशन की बात कर रहे ना, उनका बेटी नहीं मरता पहले, ठीक है, योगी ने फिर राशन बांटा, और जो मुसलमान ये कह रहे ना हमें राशन नहीं दिया, सभी को राशन दिया, 3-3 बार गेहूँ चना दलिया सब नमक भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा अपनी माँ बहन बेटियों की, ठीक है, नहीं बात एटीएस सेंटर देवबंद के अंदर, ठीक है, किसने दिया? योगी सरकार ने। भारत माता की वंदे। एक मिनट और, अरे भाई 3 साल से भर्ती की आस रख रहे हैं, ठीक है, इनका कुछ जतन कीजिए, ठीक है,
बेरोजगार फिर रहे हैं। आप तो भाजपा के आदमी है तो भाजपा की तो बड़ाई करो, अखिलेश यादव की कौन प्रशंसा करेगा? कौन आम आदमी कहते हैं? अखिलेश का नाम ना लीजिए, बड़ी भर्ती है ना, मेरे भाई का नाम ना ले, मेरे भाई का नाम ना ले, आर्मी मैन है भाई। मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन, हम गुलाम नहीं है अखिलेश को वोट करेंगे, ठीक है? मारा जो करेगा हम उसके, हम योगी ना मारा करा हम उसके करेंगे, ठीक है? योगी ने सुरक्षा बढ़ा दी, सारे आम पहले चोरी हो गई थी हमारे यहाँ से, नारको की ट्वेल पे अरीब करवा दो, नारको की ट्वेल पे, नारको की ट्वेल पे तमंचा लगा कर सबके पैसे खसोट ले जाते, अरीब करवा दो, इब करवा दो, योगी के राज में बिलों में बैठे। 12 बजे महिला चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो आदमी भी सांझ के टाइम नहीं जा सकते। योगी महाराज जिंदाबाद, चला जाना कोई भी चला जा, ठीक है? खुले हम, ठीक है? एक मोटरसाइकिल लेके जाओ ना, मोटरसाइकिल भी खुद जाओ, चटाई भी हुआ थी, आज पहले चले जाते, ठीक है? बोल ठीक है, अरे पढ़वा लो, योगी राज, योगी राज, योगी राज, नरेंद्र मोदी घर घर योगी, नरेंद्र मोदी घर घर योगी, नरेंद्र मोदी घर घर योगी। अखिलेश, अखिलेश पता पैदल में चला जाता, तब उसे बहन की लौटी 2 करोड़ की बच्चा और उसे योगी जी को बेचारे को पैदल ही चलता है बेचारा, तो चलो कपड़े भी हमरा कपड़े भी महंगे नहीं, वो तो बेचारे राम जी को नहीं लेके चलता है, हाथ लाए थे अयोध्या में मंदिर बनाया उन्होंने, ठीक है? अखिलेश को तो भूल जाओ, अखिलेश नहीं आता, ठीक है? अखिलेश के सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, अरे उसे बताना है, अरे उसे उसे वोट लेने का वो है हिंदुओं की वोट, उसकी भाण का तेल है वो, कुछ पर कुछ नहीं आता सपने में उसके, काले झंडे मिल गए यहाँ से और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से, वो गद्दार है, देश का गद्दार, देश का गद्दार है उसे, उसे फिलहाल फिलहाल हिंदुओं की वोट दिख रही, उसे दिख रही हिंदुओं तो सारे योगी पर बैठ गए, अखिलेश जी तो, और योगी जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनो, और ये पार्टी सबका साथ सबका विकास के लिए है, हम अपने जान दे, 5 साल में बढ़िया है जी, बढ़िया, 5 साल में। देखिए आप लोग कह रहे हैं ना श्री कृष्ण जी आए उसके सपने में, भी बताना आए थे कि तुम हार चुके हो यूपी में, ठीक है? श्री कृष्ण जी बताना आए थे उसे, और जय श्री राम कह गए थे योगी के सपने में, राम जी आए थे, जय श्री राम कह गए थे, जय श्री राम। जो अपने राष्ट्र के बारे में बात नहीं कर सकता और क्या करेगा वो, ठीक है? उसे वो जनता को भूखी मार देगा, ठीक है? कोरोना काल आया था वो कुछ नहीं कर सका था, देखो भाजपा सरकार ने क्या कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। प्रियंका, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से आई हैं और वो कह रही हैं कि अगर यूपी में दोबारा बाबा आ गया तो यूपी को खा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, योगी राज में गुंडा राज खत्म हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, और वहाँ जहाँ से आई ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल में तो बहुत बुरा हाल है, हिंदुओं को उनके घर से निकाल निकाल कर मारा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी ये बोल ली कि योगी जी खा जाएंगे, योगी जी उन्हें खा जाएंगे, उनकी सीट खा जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता अगर इनका योगी जी बन गए तो अगले इलेक्शन में प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे, उनकी सीट खुश जाएगी। एक बात देखो, हिजाब पे पूरा संग्राम छिड़ा गया उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में हिजाब पर पूरा संग्राम छिड़ा गया, ये जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सारे हिजाब वालों के समर्थन में जा रही, क्या उन्हें पता नहीं यहाँ हिजाब से लड़कियों को दिक्कत आओगी, आगे मुस्लिम लड़कियों को दिक्कत ही आओगी हिजाब से, कहाँ से भर्ती मार लेंगे, क्या कर लेंगे? हिंदुस्तान संविधान से चले गया, इस्लाम के कानून से चले गया, संविधान से चलेगा हिंदुस्तान। बुर्का पे विरोध क्यों है? स्कूल ड्रेस लागू नहीं रहना चाहिए? नहीं, बुर्का पहनो अपने घर में पहनो, समाज बाजार में। हिजाब पे विरोध क्यों? विरोध हिजाब पे नहीं है, वे हिजाब बाजार में पहनो अपने घर में पहनो, स्कूल में नहीं पहन सकते, स्कूल में। अखिलेश तो अल्लू का सोना बना होता है, कहाँ रल गया बीजा, कहाँ रह गया अखिलेश? ड्रेस पहनो स्कूल में, हिजाब अपना बाजार में पहनो, गाँव में पहनो, अपने घर में पहनो, उससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सलमान मुस्लिम महिलाएं विरोध कर रही है कि हमारी आजादी को छीना जा रहा है। नहीं, कौन कह रहा? मुस्लिम ये यही गंगों के पास का वो था, उसने कहा कि अगर अब की बार योगी सरकार आती है तो मैं कावड़ भी चढ़ाऊंगा और 10 दिन के उस पर भी जाऊंगा, जो भी इनका वो रहता है, ठीक है? रही बात उसकी, अभी ऐसे ऐसे वो कर रहे कि जी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सबको पता, जितने भी खड़े यहाँ से खेत में जाए थे, लाइट भाग के बोला भाई घर आ जा, शादी में गए तो
गाड़ी सजा जाती है ना, अगर लेट हो गया ना तो पहले ही उतार लिया, बोला भाई रहने दे, रास्ते में कहीं भी स्नैचिंग हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ इनकी इन्हें वो दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व के लिए काम किया जा रहा, तो ये चीज़ सबको चुभ रही, ठीक है। उनकी जो खुद की आस्था है उस पर वे हस्तक्षेप नहीं करने दे रहे, ना वे टोपी ओढ़ रहे, जय श्री राम बोल रहे, तो वे सांप्रदायिक भी हैं, कट्टर हिंदू भी हैं, सारी चीज़ें हैं उनके लिए, ठीक है। अकेले ऐसे मोदी जी और योगी जी हैं जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे, बाकी और कोई कर रहा? हिजाब पे इतना हंगामा क्यों, हिजाब पे इतना हंगामा क्यों? हंगामा तो नहीं है भाई, स्कूल में थोड़े पहरे जाएंगे, स्कूल में तो ड्रेस चला है। जो हमारे देश के जो हमारे देश के नांगा साधु हैं, क्या उनका कोई यहाँ पे कोई, उनका भी तो राइट है, उनका भी फंडामेंटल राइट है क्या? उन्हें अगर आप अगर ये बताओ, हम स्कूलों में भगवा पैर कर जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक ना भाई, घर में पैरो अपने, बाहर का क्या मतलब, स्कूल मतलब ड्रेस है, खतरा भी है स्कूल, उससे हमें खतरा भी है। इजाजत है क्या, अब तक कोई आतंकवादी होता तो पैर के स्कूल में बम पटका दे, फिर क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? हाँ साल में भगवा पैर के जाएंगे, भगवा पैर के अगले 5 साल में भगवा पैर के जाएंगे, योगी के रुल्लों पर चलेंगे, 2027 में भी योगी आवेगा, बाबा बाबा होगा हमारा यहाँ, 70 साल बस, 70 प्रधानमंत्री बनेगा योगी, लिखवा लो, ठीक है। इसे जुमलों की सरकार बताते हैं, जुमलों की सरकार, सही में जुमले तो इनके ही हैं, जहाँ मुसलमान दिखे अल्लाह अकबर, और जहाँ दिखे मेरे उसमें सपने में करसन जी आए, इनका काम है वो। उन्हें तो साफ कह रखा भाई, मेरी व्यक्तिगत आस्था है, मैं टोपी नहीं ओढ़ने का, मैं पूरे प्रांत का मुख्यमंत्री हूँ, कोई बहुत भेदभाव नहीं है, हाँ जो हिंदू हूँ मैं, मुझे उस पर गर्व है। तो उसे सांप्रदायिक बता दिया, सांप्रदायिक तो कहे जब उनके राइट्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, हिंदुओं के भी तो हैं, हिंदुओं के भी तो हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, पेपर है हमारे 18 तारीख तक, हम भी भगवा पैर का जाएंगे अगर मैं बुरखा पैर का होंगी। योगी के नाम से योगी एंट्री भी योगी के नाम से योगी पड़ी, हम फैल हो जाओ भाई साहब, कोई राणा नहीं है, कोई शर्मा नहीं है, कोई विश्वकर्मा नहीं है, सब नाम के सामने योगी लगावेंगे, हिंदू लगावेंगे, यही बात है। तो हर आदमी योगी है, हम हिंदू है, ठीक है। भारत माता की वंदे, वंदे भारत माता की। दो युवाओं की जोड़ी जो आई है, एक दिल्ली से और एक लखनऊ से, यानी जयंत लखनऊ अखिलेश, दोनों अपने बाप के नहीं है, दोनों अपने बाप के नहीं है। अजीत, अब मेरी सुन लो बात, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था अजीत सिंह, ठीक है, उनका खुद का बयान है कि जिस गाड़ी में साइकिल का झंडा उस गाड़ी के अंदर गुंडा, ऐसे अखिलेश यादव को देख लो आप, जो उनके समर्थक हैं उन्हें किसी का कोणी मार रहे, किसी का कुछ कर रहे, तो कहाँ से विकास कर लेंगे वे, बताओ आप ही। और यहाँ सबकी लहर कमल है, कोई योगी आदित्यनाथ है, देवबंद के दिल में क्या है, देवबंद के दिल में योगी है, योगी है, योगी है, योगी है, ब्रजेश कुंवर जी है, भाई साहब जी यही जीतेंगे, ठीक है, कोई कितना ही दम लगा लियो, ठीक है, महाराज जी आएंगे, महाराज जी, ठीक है, बुलडोजर इतना पसंद आ रहा है, हाँ जी हाँ, क्या बात कर रहे, बुलडोजर पे हम बैठने को तैयार है, हम खुद चलाओगे तो बुलडोजर को ही, ठीक है, हमारा चल रहेगा, जिनका चल रहे, जिन्हें दिक्कत है उन्हें दिक्कत है, एटीएस सेंटर की आप बात कर रहे, अगर यहाँ पे चेकिंग चल रही है और मेरे पास सारे कागज हैं तो मैं क्यों डरूंगा, डर भी तो सही है, वो सुरक्षा की दृष्टि से कागज दिखाने पड़ जाएंगे इसलिए डर लग रहा है, नहीं तो क्या मतलब, जब हमारे पास है तो हम तो खुले जाएंगे, चार सेनाएं हैं, क्यों है ये, सुरक्षा के लिए ही तो है, एटीएस बना दे तो कौन सी आफत आएगी, जो कोई कुछ कर, हाँ तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पे पुलिस क्यों है तो विरोध तो वही कर रहे जो मानसिक रूप से विकलांग है, वे कर रहे हैं, गुंडे कर रहे जी विरोध, हाँ जी, हम जो है किसान आदमी है जी, और हम जो नंबर दो के काम करा वे करा विरोध, और नहीं कोई करने का, जो नंबर एक का आदमी होगा वो जय श्री राम ही बोलेगा बस। 5 साल में और क्या मिला, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, योगी बाबा, बहुत कुछ बाबा मिल गया, सबसे बड़ी चीज है योगी बाबा मिल गया, वो है वो सबसे बड़ी चीज है, अखिलेश भी मिले थे, अखिलेश साहब तो गुंडा था, गुंडा हो तो अखिलेश को तो कुर्ता पजामा भी पहनना था, डेंजरो तो बात कर रहा अखिलेश की भाई, अखिलेश अखिलेश तो घर बैठ के मक्खी मारेगा, मक्खी बाबा कह रहे हैं कि मई जून में शिमला बना देंगे, शिमला याद तक कुल्लू मनाली बन जाए, कुल्लू मनाली, ठीक है, मुझे बनेगर कह रहा ना हर जगह, ठीक है, कुल्लू मनाली बराबर बरसेगी, जैन चौधरी कह रहे हैं हमें तो पैदा ही गर्मी है,
पैदा ऐसी गर्मी है, वो तो लाओगा हटके थे, ठंड लाओगा ठंड, कूलर लगाओगा, एसी लगाओगा, सब चीज लगाओगा, ये कंपनी ने खुलवा रखी। जैन चौधरी तो अपना खुद भी डाल नहीं पाया, वो दूसरे से क्या डलवाएगा। हाँ और क्या, उसे तो हवा भी नहीं आती, नहीं आती भाई। ये है ढूंढते रह जाएंगे आपका दूसरी पार्टी वाले, कहाँ गई वोट, सारी योगी ले गया। हाँ हवा है रही है ना, ये हवा योगी की है सारी। तो नहीं ईवीएम पे आरोप लग जाए, ईवीएम पे आरोप लग जाए, नहीं वो तो पागलपंती वाली बात है सारी। कांग्रेस की बाबी को भी ले गई होगी तो। हाँ ले गया, छापा डल गया। हाँ योगी योगी छापा सारी जगह, जहाँ योगी जाएगा वही आओगी भाभी भी जा। हाँ इतनी इतना मजा कर दी ना आज, इतना गाना जिंदगी का गया, बिल्कुल मजा आया सरकार में, बिल्कुल बुलडोजर में मजा आया। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल।